हेलो फ्रेंड, वेलकम इन अवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन या बीकॉम पार्ट वन के जो फॉर्म हो एग्जामिनेशन फॉर्म, वो अब उसकी लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और उसे कैसे फॉर्म भरना है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ उसमें पहले इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि क्या इसमें कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात बताते हैं, जो लोग बीए या बीएससी बीए बीकॉम जिसमें भी रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, जो आपको टाइम दिया गया था 7 अप्रैल तक लास्ट डेट कर दिया गया था, बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया गया था, बहुत से लोगों को अप्लाई नहीं कर पाए थे, कुछ ही कारण से छूट गया था, तो उन 7 अप्रैल तक में उन लोगों का कंप्लीट होने के बाद यू इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक आप उसे किए होंगे तो आप लोगों को एक आईडी मिलता है, स्टूडेंट आईडी मिलता है, वो आईडी को आपको संभाल के रखना था, है ना, क्योंकि वो बताया गया था उस समय कि आपको वो फॉर्म भरते जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको खोजा जाएगा, तो उसी प्रकार से वो आपको सेव करना है। और बताते हैं चलिए किसे अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं वेबसाइट पे आया हूँ, जैसे होम पेज यहाँ पे देख सकते हैं, ppuponline.in इंडेक्स, ये आपका क्या है, होम पेज है, ये होम पेज पे जहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन है, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का है, डाउनलोड एग्जाम फॉर्म का है या कॉलेज लॉगिन का है, तो इसमें सिर्फ आपको यूज करना है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्या पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल डालना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनेशन टाइप आपको रेगुलर डालना है, आप क्या है बीएससी बीकॉम बीए जो भी है अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है, उसे आप डाल के फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ से आपको लॉग इन करना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको बताते हूँ कैसे से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्रा के आवश्यक दिशा या निर्देश, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है कि छात्र छात्रा को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यहाँ लिखा है ppup.ac.in पे जाना है, जहाँ पे एक बाई ओर पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे लिखा होगा, और वहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप जहाँ पे आपको एग्जाम टाइप का देना है, और यहाँ जैसे देख सकते हैं कि पहले आपको एग्जाम टाइप है तो अपना सिलेक्ट कीजिएगा, फिर कोर्स होगा उस कोर्स को सिलेक्ट करना है, बीएससी बीकॉम जो भी होगा अपना, और फिर बोल रहा है कि सिलेक्ट, फिर यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको देना है, और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आपको जो मिला था वो आपको डाल के यहाँ सर्च मारना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सी रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा मेरा भाई, तो यहाँ बताना होगा कि वो जब रजिस्ट्रेशन जब किए होंगे तो 5 डिजिट का कोड जाता है आपके मोबाइल पे, तो वो कोड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो उसे डालने के बाद यहाँ पे डाल के अगला प्रोसेस पे चलेंगे। तो यहाँ लिखा है अगले चरण में अपने भरने गए जानकारी को मेल अवश्य कर लें, तत्पश्चात मतलब देख लीजिए अपना सही से देख लेंगे फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते समय, और उसको फिर आगे बढ़े। जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, स्टूडेंट का नाम दिखाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और आपका जेंडर रहेगा, और पिता और माता का नाम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक करना है, डिक्लेरेशन टिक मारने के बाद अब प्रोसीड टू एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर जैसे ही प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेशनलिटी पूछा जाएगा, और डोमिसाइल रहेगा, और रिलीजन आपको देना है। यहाँ पे सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे करंट एड्रेस का ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको करंट एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जितने भी एड्रेस ये सभी को फिलअप कर लेना अच्छी तरह से है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा रहेगा आपको फोटो और साइन को आपको स्कैन करना है, और फोटो और स्कैन को से आपको स्कैन करना है। तो पहले बता देते हैं कि जो आपको फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 150x150 पिक्सल का होना चाहिए, और साइन भी आपका 150x150 पिक्सल का होना चाहिए, जिसमें कहा गया कि फोटो और साइन का दोनों का साइज जो होता है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, बट आप डाल सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में चल सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको कटाना है, जिसे पेमेंट का ट्रांजेक्शन चार्ज बहुत ही कम लग रहा है, यहाँ पे 10 रुपए दिखा रहा है, तो हो सके वो अलग अलग भी हो सकते हैं सभी लोगों के लिए, तो आप कुछ करना नहीं सकते, आप बेसिकली क्या करना, आपको चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आप अपना यहाँ कार्ड नंबर डालना पड़ता है, नाम डालना पड़ता है, सीवीवी नंबर डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालना पड़ता है, और फिर पेनाओ पे क्लिक करना है। जैसे ही पेनाओ पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा मोबाइल पे, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के और वेरीफाई करके आपको पेमेंट कटा देना है। जैसे ही पेमेंट कटा देंगे तो फिर बोलेंगे कि मेरा फॉर्म यहाँ पे हो सके, बहुत लोगों का छूट जाए, कुछ एरर आ जाए तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे फॉर्म को, तो उसे डाउनलोड करने का भी एक लिंक यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, जो लोगों का छूट जाता है वहां से नहीं हो पाता डायरेक्टली, तो यहाँ क्या करना है उनको खाली एग्जामिनेशन फॉर्म डालना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस पर को भी एक नंबर डाल के देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होगा, वो आपका डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा,
ठीक है, तो ये इनवैलिड है क्योंकि मैं गलत डाला था, इसीलिए इनवैलिड बता रहा है, लेकिन जिन लोगों का सही होगा उनका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज कहा गया कि नहीं कहा गया, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बहुत आसानी कर दिया गया है, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने बहुत आसान कर दिया बहुत से लोगों के लिए, बहुत से स्टूडेंट के लिए। वो क्या कर दिया है कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अगर कंप्लीट होता है, अगर अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे आप दोबारा विजिट कीजिएगा और डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे ऑप्शन है, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पर डालना है नंबर, और यहाँ सर्च करके आपको वहाँ पे एडमिट कराएगा, उसे प्रिंट करके डायरेक्टली आप एग्जाम में जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से अगले वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं दूं आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।